राफेल मरीन जेट डील में फ्रांस ने घटाई रकम, फाइनल प्राइस भारत को की ऑफर। भारत 26 जेट खरीदकर हिंद महासागर में करेगा तैनात। यूपी में नदियां उफान पर, 11 जिलों में बाढ़ के हालात, सीएम योगी ने तत्काल मदद का दिया आदेश। मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले में मौसमी बीमारियों का असर, बारिश में बढ़े उल्टी दस्त के रोगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई आज, मुस्लिम पक्ष ने दी थी रिकॉल एप्लीकेशन। नसर अल्लाह की मौत पर लखनऊ में 10,000 लोग सड़क पर, आधी रात शियाओं ने निकाली कैंडल मार्च। बीएचयू के मेधावियों को मिलेंगे 450 गोल्ड मेडल। दीक्षांत समारोह की तैयारियां तेज, 60 ग्राम के पदक में होगी 16 ग्राम चांदी। सेंसेक्स में 350 अंक से ज्यादा की गिरावट, निफ्टी भी 100 अंक गिरा, रियल्टी सेक्टर के शेयर सबसे ज्यादा गिरे। लखनऊ में 24 घंटे में डेंगू के 31 नए मरीज, लगातार दूसरे दिन 30 से ज्यादा केस। अलीगंज इंदिरा नगर में सबसे अधिक मरीज। यूपी में उम्र का शतक पार करने वालों में 62% महिलाएं, बलिया में है सबसे ज्यादा उम्र दराज लोग। भारतीय मानक ब्यूरो में ग्रुप ए बी और सी के पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख आज, फीस के साथ करें रजिस्ट्रेशन।